हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम दो रंग का एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए ये हमने व्हाइट कलर लिया है और इसके साथ हम येलो कलर लेंगे और उन दोनों कलर में हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए, व्हाइट कलर के साथ हमने फंदे डाल लिए हैं। फंदे हमें लेने हैं 6 के मल्टीपल में प्लस 3। तो यहाँ पर 6 के मल्टीपल में प्लस 3 करके 15 फंदे यानी 15 फंदे हमने अपनी सिलाई पर डाल लिए हैं। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको बॉर्डर बना लेना है और उसके बाद आप जब राइट साइड यानी सीधी साइड से बुनाई करेंगे तो यहां से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। पहली सिलाई कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ये हमारा पहला फंदा, ये हमारा एज स्टिच रहेगा, इसको हम सीधा बुन लेते हैं। ये हमने इसको सीधा बुन लिया। अब यहां से हमारा रिपीट पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ये हमने सीधा बुना। इसके बाद धागा आगे करेंगे। ये देखिए, धागा हमने अपनी साइड कर लिया और अब हम 5 फंदे बिना बुने स्लिप करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 फंदे हमने बिना बुने स्लिप कर लिए। इसके बाद इस आगे जो हमने धागा किया था इसको हम पीछे ले जाएंगे। ये देखिए, इसको हम पीछे ले गए। एक बात का ध्यान रखिए, ये धागा हमें यहाँ पर लूज रखना है, इसको हमें टाइट नहीं करना है। इसके बाद हम एक फंदा, ये यहाँ पर हमारा 6 फंदों का पैटर्न जो रिपीट पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे और 5 फंदे स्लिप करेंगे। देखिए इस तरह से। अब इन फंदों को हमें देखिए इकट्ठा करके नहीं रखना है सिलाई पर, क्योंकि जब हम धागा पीछे करेंगे तो ये हमारा धागा फिर खींचेगा। हम इसको इस तरह से देखिए फैलाकर और फिर इस धागे को हम पीछे ले जाएंगे। अब आप पूरी सिलाई में इसको इसी तरह से बनाते जाएंगे। लास्ट में आपके पास 2 फंदे होंगे, दोनों को आप सीधा बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये पहली सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं हम पीछे की साइड। यहां पर सभी फंदे हमें उल्टे बनने हैं। देखिए, एक एक करके सारे फंदे जो हमने स्लिप किए थे उन्हें भी और जो हमने बुना था उस फंदे को भी हम सबको उल्टा बुनते जाएंगे। देखिए, दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं तीसरी सिलाई में, फिर से सीधी साइड में। इसको हमें पहली सिलाई की तरह ही बनाना है। पहला फंदा ये हम सीधा बना लेंगे, इसके बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न, एक फंदा सीधा और धागा आगे करके 5 फंदे हम स्लिप करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 फंदे स्लिप करने के बाद इन धागों को देखिए इस तरह से फैलाकर और हम इस धागे को पीछे ले जाएंगे। फिर एक फंदा बना लेंगे और धागा आगे करके 5 फंदे स्लिप करेंगे। इसी तरह से जैसे पहले सिलाई हमने बनाई थी उसी तरह से इस तीसरी सिलाई को भी हमें बना लेना है। ये तीसरी सिलाई हमने बना ली। अब आ जाते हैं पीछे की साइड। सारे फंदे इसमें हम उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, ये सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए। इसके बाद फिर से आ जाते हैं आगे की साइड। यहाँ पर भी हम पहली सिलाई की तरह ही बनाएंगे। एज स्टिच हमने सीधा बुना, इसके बाद एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे।
ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आते हैं पीछे की साइड छठी सिलाई में। यहां पर सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए तीन धागे बना लिए हैं। अभी हमें एक धागा और बनाना है, तो हम पहला फंदा ये सीधा बना लेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा धागा आगे करेंगे, पांच फंदे स्लिप कर लेंगे। ये देखिए ये हमने सातवीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब आठवीं सिलाई में हमें सभी फंदे उल्टे नहीं बनाने हैं। यहाँ पर हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन कर लेंगे, जो भी आप सेकंड कलर ले रहे हैं उसका धागा हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब इस सेकंड कलर से जो कि हमने येलो कलर जोड़ लिया है यहाँ पर, इससे हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इस आठवीं सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए हैं सीधी साइड में। यहाँ देखिए कैसे करेंगे, पहला फंदा एज स्टिच इसको हम सीधा बना लेंगे। इसके बाद देखिए हमने बनाने हैं तीन फंदे, तीन फंदे हम बुनेंगे। ये एक फंदा जो हम हर सिलाई में बुनते थे इसे बुनेंगे, इसके बाद दो फंदे और जो हम स्लिप करते थे उसमें से बुनेंगे। पांच फंदे हम स्लिप करते थे उसमें से हमने दो फंदे बना लेने हैं, और तीसरा फंदा देखिए जब ये तीसरा फंदा आएगा तो हम कैसे बुनेंगे। ये हमने जो चार धागे बनाए हैं, देखिए चार धागे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चार में से इस तरह से देखिए हम पीछे से जाएंगे, चारों धागों के पीछे से हम जाएंगे और सबसे नीचे वाला धागा देखिए इस तरह से हम इसको पकड़कर ऊपर ले आएंगे। ये हम इसको इस तरह से पकड़कर ऊपर ले आए, देखिए इस तरह से इसको हम सिलाई पर ले लेंगे। सिलाई पर लेने के बाद ये जो हमारा व्हाइट फंदा है और जो हमारा येलो फंदा है इसको हम एक साथ पीछे की तरफ से इस तरह से देखिए बैक लूप से इन्हें दोनों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से हमें इसने हमने इसको बुन लिया। अब हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से इसी तरह से करना है। चारों फंदों के चार धागे हैं, चारों के पीछे से जाएंगे और सबसे नीचे वाला हमें लेकर आना है। बस ये ध्यान रखना है कि हम सबसे नीचे वाला ही धागा पकड़ कर लाए, और इसके बाद दो फंदों को एक साथ हम बैक लूप से बना देंगे। इसके बाद फिर से आप इसी तरह से बनाते जाएंगे, पांच फंदे सीधे और फिर इसी तरह से इस धागे को बुनते जाएंगे। लास्ट में आपके पास जितने भी फंदे हैं सबको सीधा बनाकर इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब आते हैं बैक साइड में, इसमें सभी फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए बैक साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से आ गए हैं हम आगे की साइड सीधी साइड में। ये हम पहला फंदा एज स्टिच इसको सीधा बना लेंगे, इसके बाद हम तीन फंदे बुनेंगे, एक दो और तीन।
तीन फंदे बुनने के बाद जब चौथा फंदा आएगा तो अब हमारे पास देखिए तीन धागे बचे हुए हैं। तीन में से हम तीसरे नंबर का जो सबसे नीचे वाला धागा है इसको इस तरह से देखिए फंदों के पीछे से जाएंगे और इस नीचे वाले धागे को पकड़ कर ले आएंगे, ऐसे इसको सिलाई पर लेंगे और दो फंदों को ये बैक लूप से एक साथ हम बना लेंगे। यहाँ पर हमें दोनों फंदे एक साथ बनाने हैं, अगर हम एक एक बनाएंगे तो हमारा फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा। पांच फंदे सीधे, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से इसी तरह से करेंगे। देखिए सीधी साइड की रो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, यहां पर सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए फिर से आ जाते हैं सीधी साइड, पहला फंदा सीधा बनाएंगे, इसके बाद तीन फंदे सीधे, अब यहां पर हमारे पास दो फंदे बचे हुए हैं, दो धागे बचे हुए हैं, इसमें से हम नीचे वाला फिर से पकड़ कर लाएंगे और ऐसे हम सिलाई पर ले लेंगे इसको। दो फंदों को बैक लूप से एक साथ बुनेंगे। अब हम बीच में पांच फंदे सीधे बुनेंगे। पांच फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से इसी तरह से हमें बनाना है। तो बहुत इजी ये डिजाइन है बनाने में, देखिए सीधा उल्टा हम बनाते जाते हैं और ये डिजाइन हमारा बनता जाता है। बस थोड़ा सा हमें इन धागों का ध्यान रखना है, इनको हमें सही तरीके से अगर हमने बना लिया तो ये डिजाइन हमारा बहुत अच्छा बनता है। चलिए अब आ जाते हैं बैक साइड में, यहां पर सभी फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब आ जाते हैं फिर से सीधी साइड में, यहाँ पर देखिए पहला फंदा ये सीधा बनाया, इसके बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही धागा बचा हुआ है, इसको उठाएंगे सिलाई पर रखेंगे और दो फंदों को बैक साइड से हम सीधा बना लेंगे। बैक लूप से दो फंदे लिए और इनको हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा, ये हमारे डिजाइन की लास्ट रो है और इसके बाद हमें जैसे हमने पहले से बनाया था उसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब हम बैक साइड से उल्टी सिलाई बनाएंगे तो वो हमें व्हाइट कलर से बनानी है। देखिए व्हाइट, हम इसको येलो कलर से नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा व्हाइट कलर इधर है और हमें अब व्हाइट कलर का यूज करना है। तो हम बैक साइड की जो सिलाई है इसको व्हाइट कलर से बुनते हुए आएंगे और फिर से पहली सिलाई की तरह हम डिजाइन को रिपीट करेंगे जिसमें हमने एक फंदा बुना था और पांच फंदे स्लिप किए थे।
यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन हमारा कितना सुंदर दिखाई देना शुरू हो गया है, और इसको आप बनाते जाएंगे तो ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। ये देखिए बड़ा होने के बाद ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से दिखाई देगा। बहुत इजी डिज़ाइन है बनाने में, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगता है। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।